हाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों, आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि 26 जून दिन सोमवार को अषाढ़ माह गुप्त नवरात्रि के साथ साथ सोमवार की अष्टमी भी है। आप सभी जानते हैं कि पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में अक्सर हमें बताया है कि सोमवार की अष्टमी का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। पूजनीय गुरुजी बताते हैं कि सोमवार की अष्टमी भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन बताया जाता है। सोमवार की अष्टमी पर यदि कोई भक्त बहुत समय से किसी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर रहा है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी और देवता को समर्पित माना जाता है और उस दिन उनकी सच्चे मन से पूजा की जाती है। उसी प्रकार से सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और इसका महासंयोग तब बनता है जब किसी सोमवार पर सोमवार की अष्टमी का संयोग पड़ता है, यानी कि अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन महासंयोग बन जाता है। यह दुर्बल संयोग साल में एक या दो बार ही बनता है। सोमवार के दिन, अष्टमी के दिन भगवान शंकर को यदि हम प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने जीवन की कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए विशेष उपाय लेकर आए हैं। इस दिन भक्त शिव मंदिर में जाकर दूध, बेलपत्र, भांग और धतूरे से भगवान के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। कुछ लोग शिव की कृपा पाने के लिए इस दिन व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपायों से भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से घर में सुख और शांति समृद्धि आती है। सोमवार की अष्टमी के दिन किया गया उपाय सफल होता है और प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए जानते हैं विशेष उपाय जो आप सोमवार की अष्टमी पर यदि करते हैं तो आपकी यदि कोई कामना है तो वह अवश्य ही पूर्ण होगी। सबसे पहले तो सोमवार की अष्टमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आप जल अवश्य ही छिड़के। पूजनीय गुरुजी बताते हैं कि जब भी हम अपने मंदिर से या अपने रसोई से लाए हुए जल को अपने द्वार पर छिड़कते हैं तो हमारे पितृगण जो रात में भटककर हमारे द्वार पर आते हैं उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। साथ ही जिस घर का मुख्य द्वार शुद्ध होता है उस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती है। सुबह सवेरे माता दरिता और माता लक्ष्मी दोनों भ्रमण पर निकलती हैं। आप सभी जानते होंगे कि माँ लक्ष्मी और माता दरिता दोनों बहनें हैं और जिस घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं वहां फिर दरिता देवी कभी नहीं जाती हैं और जहां दरिता होती है वहां लक्ष्मी जी कभी नहीं जाती हैं। तो यदि आप अपने घर में लक्ष्मी जी को स्थायी रूप से वास कराना चाहते हैं और महादेव की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो सुबह उठकर अपने घर के मुख्य द्वार को आप शुद्ध अवश्य ही करें। इसी के साथ में सोमवार की अष्टमी के दिन पूरे मन से भगवान शिव की सच्ची आराधना करनी चाहिए। आज के दिन शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, दूध, धतूरा, गंगा जल, बेलपत्र और आंकड़े का फूल हमें अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप अपनी कामना कहकर धतूरे ले ले। धतूरे पर आपको थोड़ी सी हल्दी लगानी है। हल्दी लगाकर दोनों धतूरों को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और साथ ही में धीरे धीरे कर जल अर्पित करना है। जल इतना धीरे अर्पित करना है शिवलिंग पर कि कम से कम आप 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण कर पाए और इसी के साथ में अपनी कामना को महादेव से सच्चे मन से कह देनी है। महादेव सोमवार की अष्टमी और गुप्त नवरात्रि की यह अष्टमी दुर्बल संयोग पर आपकी कामना को महादेव अवश्य ही पूर्ण करेंगे। धन्यवाद दर्शकों, यदि आपको हमारा उपाय पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें जिससे हमारा जब भी कोई वीडियो आएगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद दर्शकों, हर हर महादेव।